राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। दोस्तों, अगर आप नगर निगम में नामांतरण यानी कि म्यूटेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं किसी प्रॉपर्टी पे अपना नाम चढ़वाने के लिए, तो दोस्तों उसमें कौन से पेपर की आवश्यकता होगी, आज की वीडियो में उसके बारे में अपडेट देंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सभी साक्ष्य व अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा और जाँच उपरांत आपको शुल्क जमा करना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आधार, डीएल या वोटर आईडी, सभी तथ्यों को अंकित करते हुए आपको शपथ पत्र देना होगा। नगर निगम में दर्ज भवन स्वामी की मृत्यु के आधार पर उत्तराधिकारी होने के नाते खानदानी सजरा, शपथ पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आदि अभिलेख आपको दिखाने होंगे। वहीं पंजीकृत विक्रय नामे के आधार पर विक्रय नामे की प्रति तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंजीकृत विरासत के लिए विरासत की प्रति, पंजीकृत दान पत्र के लिए उसकी प्रति, पारिवारिक समझौते के आधार पर खानदानी सजरे एवं पारिवारिक समझौते की प्रति, न्यायालय के आदेशानुसार उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। हिब्बे नामे के आधार पर अभिलेख शपथ पत्र देना होगा। तो दोस्तों, अलग अलग कंडीशन में आपको कौन से अभिलेख देने होंगे या डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे ये नगर निगम के ऑफिस में नामांतरण के लिए, उसकी डिटेल मैंने आपको दी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो को देख कर आपको जो म्यूटेशन में नामांतरण में जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।